चलिए तो बस्तर जिला आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, बस्तर जिला हमारा कब बना? बस्तर जिला 1948 में। बस्तर जिला कब बना? 1948 में। क्लियर? 1948 के पहले तक छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें हुआ करती थी। कितने? 14 रियासतें। इन 14 रियासतों में एक रियासत बस्तर भी हुआ करता था। एक जनवरी 1948 को इन सारे रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया और भारत संघ में मिलाने के बाद इस बस्तर को जिले का दर्जा दिया गया। तो 1948 में कौन कौन से तीन जिले बने थे? तो स से सरगुजा बना था। कौन कौन से तीन जिले? स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ये तीन जिले ऐसे हैं जो क्या है, पहले रियासत थे और रियासत के बाद भारत संघ में विलय हुआ इनका, और विलय होने के बाद इसको, इन तीनों को 1948 में जिले का दर्जा दिया गया। क्लियर? तो ये आपका अगर मैप के माध्यम से देखा जाए तो ये हमारा बस्तर जिला है। क्लियर? बस्तर जिला याद रखना है। बना कब? 1948 बस्तर जिला। याद करते चलना है, लिखने का काम नहीं करना है अभी, सिर्फ और सिर्फ याद करते चलना है। समझ रहे हो? बस्तर जिला कब बना? 1948। बस्तर के साथ साथ और कौन कौन से तीन जिले बने? तो स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। याद रखना है। क्लियर? याद रहेगा? बस्तर जो जिला है, अब उस बस्तर जिले के बारे में डिटेल याद करते चलना है। सबसे पहले बस्तर जिला कब बना? तो 1948। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा बताते चलो? जिला मुख्यालय जगदलपुर। जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर। बस्तर जिले को याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बस्तर जिले को छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। साथ ही साथ बस्तर जिले को छत्तीसगढ़ राज्य का, क्लियर, एक तो सांस्कृतिक राजधानी बोला जाएगा, साथ ही साथ बस्तर जिले में सर्वाधिक खनिज आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा खनिज आपको मिलेगा कहां? बस्तर जिले में। सांस्कृतिक राजधानी क्यों सांस्कृतिक राजधानी? ठीक है, एक तो आदिवासी बहुल्य राज्य है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है हमारा राज्य जो है, आदिवासी बहुल्य राज्य है, और वहां उस क्षेत्र में बस्तर का एक विशेष महत्व है, ठीक है। और आप तो जान ही रहे हो कि आदिवासी समुदाय अपने संस्कृति के लिए ही विशेष रूप से महत्व रखती है अलग से। क्लियर? सर्वाधिक खनिज अगर मिलेगा तो कौन से जिले में मिलेगा? बस्तर जिले में, याद रखना है, सर्वाधिक खनिज। क्लियर? सांस्कृतिक राजधानी, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी बस्तर। साथ ही साथ यहां याद रखना है, ठीक है, बस्तर का दशहरा यहां फेमस है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है? वैसे तो 75 दिन का होता है, पर इस साल 105 दिन का हुआ है, विश्व का रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड, ठीक है, 105 दिन का हुआ है इस बार, पिछली बार जो हुआ है। तो बस्तर दशहरा याद रखना है, 75 दिन। क्लियर? ये सारा चीज बस्तर, 14 रियासतों में एक रियासत बस्तर, जिला मुख्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, सर्वाधिक खनिजों वाला जिला, और यहां फेमस है बस्तर दशहरा।
याद रहेगा, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन? बस्तर। हाँ, वेरी गुड अंशु। ठीक, बस्तर जिले के बारे में देखा जाए तो यहां तहसील, तहसील याद रखना है, कितना तहसील? 7 तहसील मिलेगा यहां। कितना तहसील? 7 तहसील। अब वो 7 तहसील कौन कौन से उसको आगे देखेंगे। कितने तहसील? 7 तहसील याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है। बस्तर से लेकर के पूरा बस्तर संभाग वाला क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है, याद रखना है, दंडकारण्य। क्लियर, दंडकारण्य इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना है, याद रहेगा। बस्तर जिले को अगर देखा जाए तो ऊपर कोंडागांव से लगी सीमा, लेफ्ट में आपका लगा है बीजापुर से, लेफ्ट में ही आपका दंतेवाड़ा से, और नीचे आपका सुकमा से, मतलब 1, 2, 3 और 4 जिलों की सीमा लगी हुई है, और इधर आपका उड़ीसा एक राज्य से इसकी सीमा लगी हुई है, याद रहेगा। 7 तहसील है, 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है और एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, और वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा, याद रखना है, याद रहेगा। साथ ही साथ बस्तर और यहां के आसपास के क्षेत्र को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप भी बोला जाता है दंडकारण्य वाला पूरा क्षेत्र को, समझ रहे हो। अधिकतर साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में बस्तर को ही अधिकतर देता है वो, तो साल वनों का द्वीप याद रखना है, कौन सा? बस्तर। क्लियर है, अब मैं मैप बनाते चल रहा हूं, उसको देखते चलो। मैप बनाना है तो साथ ही साथ आप बना सकते हो, चलो, और एकदम साफ सुथरा सारा मैप बनना चाहिए, टाइम पास टाइप का मैप नहीं बनाना है, बड़ा सा पूरा एक फुल पेज बनाना है। ये आपका हो गया बस्तर जिला, कौन सा? इसको अपन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जितना हो सकता उतना बड़ा बनाना है इसको, ये ऐसा। क्लियर है, बस्तर जिला, बस्तर जिला ये है आपका दंतेवाड़ा, इधर आपका दंतेवाड़ा हो गया नीचे, ये इधर से आपका बीजापुर का सीमा हो गया। क्लियर, इधर आपका हो जाएगा कोंडागांव हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा सुकमा, और इधर हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो जब अपन ने नेशनल हाईवे पढ़ा था तो बीचों बीच आपको याद रखना है जगदलपुर, बीचों बीच आपको याद रखना है जगदलपुर, याद रखना है जगदलपुर से नेशनल हाईवे आपका गीदम आ जाएगा, गीदम से निकल जाएगा आपका बीजापुर में भैरमगढ़, भैरमगढ़ से आगे निकल जाएगा बीजापुर, और बीजापुर से आगे निकल करके जाएगा वो भोपालपट्टनम। नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 63, वेरी गुड, NH 63 याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 63। ऊपर से एक नेशनल हाईवे आ रहा है, कोंडागांव से होते हुए आ रहा है वो, कोंडागांव से आ गया जगदलपुर, जगदलपुर से आ गया नीचे आ जाएगा सुकमा, और सुकमा से नीचे चला जाएगा कोंटा। अपन नेशनल हाईवे में पढ़ चुके हैं, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 30। याद हो रहा है कि नहीं? याद करते चलना है, ठीक है दिवाकर, चलो वेरी गुड, नेशनल हाईवे नंबर 30 याद रखना है। क्लियर, ये आपको दो नेशनल हाईवे सबसे पहले बना लेना है, क्लियर, दो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पहले बना लेना है, बीच में आपका कौन सा? जगदलपुर है, ये क्या है? जगदलपुर, इसको मैं जे से डिनोट कर देता हूं, जिला मुख्यालय जगदलपुर। क्लियर, वापस एक बार बोल रहा हूं, बस्तर जिला 1948 में बना है, तहसील है यहां 7, जिला मुख्यालय है आपका जगदलपुर, साल वनों का द्वीप, सांस्कृतिक राजधानी, दंडकारण्य क्षेत्र, ये सारा चीज, 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा और एक राज्य। क्लियर हो रहा है बात, याद करते चलना है,
सबसे ज्यादा खनिज अगर मिलेगा तो वो इसी बस्तर जिले में मिलेगा, ये भी याद रखना है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मैं अब लिखना बंद करो, जो जगह मैं बता रहा हूँ जगह आपको सबसे पहले ट्रेस करना है। जब तक जगह याद नहीं होगा तो चीज़ें आगे याद नहीं होगी। क्लियर है? ध्यान से देखते जाना है मैप। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड चलना है और यहाँ चलेंगे अपन सबसे पहले नगरनार। नगरनार से लेफ्ट आ जाओगे आपका पड़ेगा बस्तरनार। जगह याद करते चलो, लिखने का काम बाद में करना है। सबसे पहले बीच में जगदलपुर, राइट साइड चलेंगे आपका नगरनार, लेफ्ट चलेंगे बस्तरनार, ऊपर चले जाएंगे तो हमें मिलेगा बस्तर। कौन सा जगह? बस्तर। और नीचे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा, अपन ने पढ़ा था, दरभा घाटी, दरभा वैली। क्लियर? जगदलपुर के चार दिशा में चार जगह, सबसे पहले नगरनार, बस्तरनार, बस्तर और दरभा। क्लियर? और बीच में आपका जगदलपुर। याद हो रहा है जगह? याद हो रहा है जगह? याद हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, जगह याद हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। ठीक, वापस एक बार, नगरनार, बस्तरनार, बस्तर, दरभा और बीच में आपका क्या हो गया? जगदलपुर। फिर आपको चले चलना है राइट साइड, यहां आ जाएगा बकावंड। जगह का नाम लिख लो, लिखना नहीं है, याद करना है इसको सबसे पहले, बकावंड। बकावंड याद रखना है। इसी के नीचे दो जगह और, ठीक है? चलो, बकावंड के बाद पहले इधर आ जाओ, लोहांडीगुड़ा। लोहांडीगुड़ा नीचे आपका बस्तरनार और यही आपका नीचे तोकापाल, याद रखना है तोकापाल। क्लियर है? तो अभी इस नगरनार को थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं। अभी आपको ये सात जगह दिख रहा होगा, सात जगह लाइन से, बस्तर ऊपर, फिर नीचे जगदलपुर, फिर नीचे दरभा। ये तीन लाइन से, बस्तर, जगदलपुर, दरभा लाइन से, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, राइट साइड में बकावंड, लेफ्ट में आपका लोहांडीगुड़ा, नीचे आपका बस्तरनार और नीचे आपका तोकापाल। सात तहसील आपको याद हो जाना चाहिए, सात तहसील, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बस्तरनार और तोकापाल। कितना हो गया रानी? सात तहसील। याद करते चलना है, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बस्तरनार और तोकापाल। कितना तहसील? सात तहसील। समझ रहे हो? नगरनार तहसील नहीं है, लेकिन जगह आपको याद रखना है, नगरनार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस नगरनार। इतना याद करने के बाद राइट साइड चले जाओ, यहां दो जगह एक साथ याद रखना है, तिरिया मचकोटा। जगह का नाम कौन सा? तिरिया मचकोटा। और यही आप नीचे आ जाओगे तो जीरा गांव मिलेगा, तिरिया मचकोटा और जीरा गांव एक साथ याद रखना है। जब भी आप बोलोगे तिरिया मचकोटा जीरा गांव, एक साथ याद होना चाहिए, तिरिया मचकोटा और जीरा गांव एक साथ याद करना, एक साथ बोलना है जब भी बोलना है, तिरिया मचकोटा और जीरा गांव, तिरिया मचकोटा और जीरा गांव। और नीचे आप आ जाओगे तो मसगांव, नीचे आप आ जाओगे तो मसगांव याद रखना है, नीचे आ जाएंगे तो मसगांव, ये अलग से याद रखना है मसगांव को, मसगांव आपका अलग से। क्लियर? लेफ्ट आ जाओ, इधर
दो जगह लिख रहा हूं, एक साथ याद होना चाहिए। आसना तारापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसना तारापुर, और नीचे आ जाओगे कुदारवाही। आसना तारापुर और कुदारवाही एक साथ याद होना चाहिए, एक साथ लिखा भी इसीलिए हूं। ये तो सर ऐसा मत बोलना कुदारवाही यहां है, यहां वहां कुछ नहीं करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना है। आसना तारापुर और कुदारवाही एक साथ बोल दिया मतलब एक साथ याद रखना है, समझ रहे? आसना तारापुर और कुदारवाही, आसना तारापुर और कुदारवाही एक साथ, आसना तारापुर और कुदारवाही नीचे एक साथ। नीचे आपका तोकापाल, नीचे आपका दरभा घाटी, यही बस्तर, बस्तर के ही पास आपका एक माउंटेन बनाना है, माउंटेन पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम मांझी डोंगरी पहाड़ी, मांझी डोंगरी माउंटेन, मांझी डोंगरी पहाड़ी, मांझी डोंगरी पहाड़ी याद रखना है। याद रहेगा मांझी डोंगरी, याद रहेगा मांझी डोंगरी पहाड़ी। वापस एक बार, तिरिया मचकोटा जीरा गांव एक साथ, आसना तारापुर कुदारवाही एक साथ, बस्तर अलग से, मांझी डोंगरी पहाड़ी अलग से, यहां तोकापाल अलग से, और दरभा घाटी अलग से। वापस एक बार, तिरिया मचकोटा जीरा गांव एक साथ, आसना तारापुर कुदारवाही एक साथ, यहां बस्तर अलग से, मांझी डोंगरी पहाड़ी अलग से, तोकापाल अलग से, और दरभा घाटी आपको अलग से याद रखना है। क्लियर? याद रहेगा? क्यों याद करा रहे हो सर? तो देख लेते हैं, यहां आपको मिलेगा महत्वपूर्ण खनिज, और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हो ना? तो खनिज को याद करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तिरिया मचकोटा जीरा गांव में मिलेगा आपको डोलोमाइट, मिलेगा क्या? मिलेगा डोलोमाइट। तिरिया मचकोटा, अब ये डोलोमाइट क्या होता है सर, तो उसको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ याद होना चाहिए कि डोलोमाइट कहां पाया जाता है, समझ रहे हो बात? तिरिया मचकोटा और जीरा गांव में क्या मिलेगा? डोलोमाइट। बस्तर में आपको मिलेगा संगमरमर या मार्बल, संगमरमर या इसी को मार्बल बोलेंगे, कहां? बस्तर में। मांझी डोंगरी की पहाड़ी में लाइम स्टोन या आपको मिलेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर या लाइम स्टोन, कहां? मांझी डोंगरी पहाड़ी। आसना तारापुर कुदारवाही बहुत ही फेमस बॉक्साइड मिलेगा यहां, क्या मिलेगा? बॉक्साइड। और उससे भी ज्यादा फेमस तोकापाल का नाम सुनते ही लालच आ जाना चाहिए, समझ रहे? क्यों लालच आ जाना चाहिए? डायमंड मिलेगा, हीरा, क्या मिलेगा? हीरा। चाहिए कि नहीं? हीरा। और नीचे दरभा घाटी में अभ्रक या इसको माइका बोल सकते हो। खनिज याद रखना है। वापस एक बार, तिरिया मचकोटा जीरा गांव में डोलोमाइट, बस्तर में संगमरमर या मार्बल, मांझी डोंगरी की पहाड़ी में चूना पत्थर, आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड, तोकापाल में हीरा, और दरभा में आपका भ्रक या माइका। याद होगा? याद हो जाएगा। आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड, वापस एक बार, तिरिया मचकोटा जीरा गांव में डोलोमाइट, तिरिया मचकोटा जीरा गांव में डोलोमाइट, बस्तर में संगमरमर या मार्बल, इंग्लिश में उसको मार्बल बोलेंगे, नीचे मांझी डोंगरी की पहाड़ी, मांझी डोंगरी की पहाड़ी में चूना पत्थर लाइम स्टोन, आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड, तोकापाल में हीरा, और दरभा घाटी में आपका अभ्रक। झीरम घाटी में भी अपन सुकमा जिले में पढ़े थे कि क्या मिलेगा? अभ्रक मिलेगा। याद हो रहा है बबीता? याद हो रहा है कि नहीं? टाइम पास करने नहीं बैठना है, समझ रहे? याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। याद हो रहा है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। चलो आगे चलें। आगे अपन जब चलेंगे आपको यहां उड़ीसा में आपको एक पहाड़ी याद रखना है, उड़ीसा में
उड़ीसा में एक माउंटेन याद रखना है जिसका नाम है मुंगेर माउंटेन, मुंगेर पर्वत। नाम अगर दिख नहीं रहा होगा तो सुन लो, मुंगेर पर्वत। यह पड़ेगा आपका कालाहांडी जिला। कहां? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और राज्य कौन सा पड़ेगा? उड़ीसा। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला और राज्य आपका उड़ीसा। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य आपका उड़ीसा। यहां से आपका नदी निकल करके आएगा एक, समझ रहे हो ना? और नदी निकल करके आ करके आपका ये आपका चला जाएगा कहां? दंतेवाड़ा चला जाएगा। नदी याद रखना। ये नदी जो है सबसे पहले उड़ीसा से निकलेगा। कहां से? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा। वहां से निकल करके ये सबसे पहले बस्तर जिला इंटर करेगा और बस्तर के बाद ये आपका चले जाएगा दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से ये चला जाएगा बीजापुर और बीजापुर से निकल करके जा करके किसमें? गोदावरी नदी के संगम में मिलेगा। गोदावरी नदी में मिल करके संगम बनाएगा, गोदावरी नदी में मिलेगा या उसकी सहायक नदी बनेगा। इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। याद रहेगा इंद्रावती नदी, याद रहेगा इंद्रावती नदी, याद रखना है। क्लियर? इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी 535 के आसपास लगभग इसकी कुल लंबाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर लेंथ, 264 किलोमीटर की लंबाई। छत्तीसगढ़ में कितना बहेगा इंद्रावती नदी? 264, वेरी गुड। और ये दंतेवाड़ा जाने से पहले एक वाटरफॉल बनाएगा, जलप्रपात बनाएगा, चित्रकोट जलप्रपात। नाम सुने होंगे आप लोग, चित्रकोट वाटरफॉल या जलप्रपात। कौन सा नदी पर है चित्रकोट वाटरफॉल? अब ये एक प्रश्न बन गया, समझ रहे हो? चित्रकोट वाटरफॉल कहाँ? तो जिला बस्तर, और नदी आपको पूछा जाएगा तो इंद्रावती नदी, समझ रहे हो? हाँ, वेरी गुड। भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जब उड़ीसा में एक जगह और, कल आपको सुकमा में बताया था, जब सुकमा पढ़ रहे थे तो कोरापुट माउंटेन, कोरापुट पहाड़ी, जिला कोरापुट, और राज्य आपका उड़ीसा। यहां से भी एक रिवर निकला था, याद करो। सबसे पहले उड़ीसा से सीधा कहां आ गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से ये चला जाता है नीचे सुकमा। कौन सा नदी है भैया? कौन सा नदी था ये? कौन सा नदी था? शबरी नदी, वेरी गुड। शबरी या कोलाब नदी। लेंथ इसका कितना? 173 किलोमीटर लंबाई, वेरी गुड, ठीक है। ये जो तोकापाल है, यही पास नीचे आपको एक माउंटेन याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा कौन सा माउंटेन है बताओ, किसी को पता हो तो बताओ, तो बताओ कौन सा माउंटेन है? याद नहीं आ रहा है? मुंगेर पर्वत ये वाला है जी, मुंगेर पर्वत इधर है, कोरापुट ये है, मांगलपुरी की पहाड़ी, वेरी गुड। कौन सा पहाड़ी? मांगलपुरी पहाड़ी, वेरी गुड। यहीं पास कोई सा गुफा है क्या? मांगलपुरी माउंटेन, यहीं आपको एक गुफा केव्स मिलेगा, केव्स केव मिलेगा, गुफा भी यहीं बना लो, गुफा भी बता चुका हूं,
हाँ वेरी गुड उज्ज्वल, अरण्यक गुफा, अरण्यक केव्स, और यही अरण्यक केव्स के पास से एक केनाल निकलेगा, इस केनाल को भी याद रखना है। गंडदेव झोडी नाला, कौन सा नाम, गंडदेव झोडी केनाल या गंडदेव झोडी नाला, याद है, याद रहेगा। और इसी मंगलपुरी की पहाड़ी के पास से एक नदी निकल करके आपका मिलेगा किसमें, नदी निकल करके मिलेगा आपका किसमें, शबरी नदी में। इस नदी का नाम है मुनगा बहार नदी, कौन सा रिवर नाम है इसका, मुनगा बहार, मुनगा बहार रिवर। और इसी मुनगा बहार नदी, सॉरी, ये जो मुनगा बहार नदी है वो इसमें जाकर शबरी में जाकर के नहीं मिलेगी, शबरी में आकर के मिलेगी कांगेर नदी, शबरी में आकर के मिलेगी आपकी कांगेर नदी, और कांगेर में जाकर के मिलेगी आपकी मुनगा बहार नदी। ये ठीक कर लो, ठीक है, ये ऐसा, ये है आपका कांगेर नदी। शबरी की सहायक है कांगेर और कांगेर की सहायक है मुनगा बहार नदी, क्लियर है। शबरी की सहायक कौन है, कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक है मुनगा बहार नदी, और मुनगा बहार नदी पर यहीं आपको वाटरफॉल मिलेगा, नाम इसका तीरथगढ़ वाटरफॉल, कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है ना। मुनगा बहार कांगेर की सहायक है और कांगेर जो है वो शबरी की सहायक है, और शबरी किसकी सहायक है, तो शबरी गोदावरी की सहायक है, ये भी याद रखना है, याद रहेगा। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ वाटर जलप्रपात, या इसी को मुंगा जलप्रपात भी कहा जाता है, मुंगा वाटरफॉल, मुंगा जलप्रपात, मुंगा, वहां के आदिवासी लोग इसको मुंगा वाटरफॉल, मुंगा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, क्लियर, याद रहेगा। आगे यहीं चले जाओगे, लेफ्ट में आपको इसी कांगेर नदी से मिलते हुए आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, ये आपका नेशनल पार्क याद रखना है, ये पूरा एरिया नाम है कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका जिला बस्तर, याद रखना है। और इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चलेंगे तो दो तीन जगह बता रहा हूं, उसको याद रखना है। एक आपको याद रखना है, इसी नदी पर, कांगेर नदी पर कांगेर धारा वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल, कांगेर धारा, कांगेर नदी पर कांगेर धारा वाटरफॉल, यही आपका इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत एक जगह बनाया जा रहा है, जगह का नाम याद रखना है कोटमसर नागलसर, कोटमसर नागलसर, जगह एक साथ याद रखना है कोटमसर नागलसर। यहीं आप चले जाओगे अंदर तो बटरफ्लाई पार्क मिलेगा, तितली उद्यान, तितली पार्क, यहीं आप चले जाओगे तो कुटुमसर गुफा, क्या मिलेगा, कुटुमसर केव, कुटुमसर, कुटुमसर गुफा। और यहीं आप चले जाओगे तो यहां पास आपको यहीं भैंसा दरा, ये सारा जगह, हाँ।
क्लियर है, देखते चलो, ये सारा जगह आपको याद होना चाहिए। ये मैप आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो, पूरा मैप आपको बनाना है। क्लियर, यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोटमसर नागलसर, तितली पार्क, कुटुमसर गुफा, भैंसा दरा, कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ आपको जगदलपुर से जब चित्रकूट जाओगे तो आपको विंता घाटी, विंता घाटी में तामड़ा घुमरिया मयूरा जलप्रपात याद रखना है। क्लियर, यही आपको जगदलपुर के चारों दिशा में दलपत सागर, डिलमिली, परचमपाल, केसरपाल और नारायणपाल याद रखना है, याद रहेगा। ये सारा मैप आपको याद रखना है। नीचे आपका चिंगीतराई का शिव मंदिर, यहाँ आपका कैलाश गुफा, ठीक है, सबरी नदी, सबरी की सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक नदी मुनगाबहर नदी। सभी को क्लियर है, मैप क्लियर है सबको, मैप क्लियर है सबको। चलो ठीक है, अब एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें पढ़े हैं, उसके बाद आगे सारी चीजों को और बताऊंगा। क्लियर, ठीक है, चलो देखते चलो। सबसे पहले बस्तर जिला बना 1948, ये पूरा मैप आपको याद हो जाना चाहिए ना, ये पूरा मैप जैसे सुंदर से मैं बनाया हूं वैसे बनाना है आपको। क्लियर, बस्तर जिला बना 1948, बस्तर जिला, जिला मुख्यालय आपका जगदलपुर। बस्तर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, सबसे ज्यादा खनिजों वाला जिला। यहाँ का बस्तर का दशहरा फेमस है जो कि प्रतिवर्ष 75 दिनों का होता है, परंतु इस बार 105 दिनों का हुआ है। तहसील जो है सात है यहाँ, और ये जो बस्तर क्षेत्र को सालवनों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ गौड़ों की भूमि भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर अपन क्या किए थे, खनिज याद किए थे। खनिज में तिरियामच कोटा जीरा गांव में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। तिरियामच कोटा जीरा गांव में डोलोमाइट। बस्तर में आपका संगमरमर। मांझी डोंगरी की पहाड़ी में चूना पत्थर। आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड। तोकापाल में हीरा और दरभा में अभ्रक याद रखना है, दरभा में अभ्रक। वापस एक बार, तिरियामच कोटा जीरा गांव में डोलोमाइट, तिरियामच कोटा जीरा गांव में डोलोमाइट, आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड, बस्तर में संगमरमर, मांझी डोंगरी की पहाड़ी में चूना पत्थर, तोकापाल में हीरा, दरभा में आपका अभ्रक याद रखना है, याद रहेगा, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, क्लियर। सात तहसील देख लो सबसे पहले, और सात तहसील देख लो, सात तहसील याद करना है, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बस्तर, नारौर, तोकापाल, सात तहसील याद करो, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तो बस्तर, नारौर, तोकापाल, सात तहसील याद होना चाहिए। क्लियर, याद हो रहा है, याद हो रहा है, सात तहसील याद रखना है। अच्छा, यहीं पास दो चीजें और बना लेना है, यहां आपको एक प्रोजेक्ट जो नया बन रहा है वो भी याद रखना है, कोसार टेडा प्रोजेक्ट, कोसार टेडा प्रोजेक्ट, कोसार टेडा परियोजना बन रहा है अभी, और यहीं आपका मटनार प्रोजेक्ट, मटनार, मटनार जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना है, और कोसार टेडा परियोजना, दोनों याद रखना है, याद रहेगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोसार टेडा परियोजना किस जिले में बन रहा है, या मटनार प्रोजेक्ट या मटनार जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो बस्तर जिला याद रखना है, याद रहेगा। क्लियर, चलो आगे, याद रखना। अब देखो, सबसे पहले, अब पूरा मैप याद होने के बाद
सबसे पहले आपको नगरनार चलना है। नगरनार, इस नगरनार में एनएमडीसी का प्लांट लग रहा है, भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक, परंतु इसका प्राइवेटाइजेशन करने का बात चल रहा था, उसको बाद में देखना है। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की चौथी इकाई यहां काम करने वाली है, मतलब चौथी इकाई लगाई जा रही है। एनएमडीसी इससे पहले तीन जगह और लगाया जा चुका है, छत्तीसगढ़ में किरंदुल बचेली बैलाडीला, याद रखना है किरंदुल बचेली बैलाडीला, बार बार बोलो किरंदुल बचेली बैलाडीला, किरंदुल बचेली बैलाडीला, किरंदुल बचेली बैलाडीला, किरंदुल बचेली बैलाडीला, फिर उसके बाद बोलना है 1968-88, किरंदुल बचेली बैलाडीला 1968-88 बोलना है, बार बार 1980, बार बार 1988 ऐसा नहीं बोलना है, एक बार बोले किरंदुल बचेली बैलाडीला 1968-88। 1968 में किरंदुल का एनएमडीसी लगा, 1980 में आपका बचेली का, और बैलाडीला में एनएमडीसी का प्लांट लगाया गया 1988। किरंदुल बचेली बैलाडीला 1968-88, 1968-88, 1968-88 याद होना चाहिए, याद रहेगा किरंदुल बचेली बैलाडीला 1968-88। एनएमडीसी का टोटल कितनी इकाई छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, तो फिलहाल तीन जो है काम में आ चुका है, मतलब काम कर रही है 1968-88 से, और एनएमडीसी का प्लांट अभी लग रहा है, क्लियर। फिर आगे बकावंड तहसील है, तिरियामझ कोटा जीरा गांव में बता चुका हूं, डोलोमाइट मस गांव, यहां एक ओपन जेल है, खुला जेल, ये भी याद रखना है, क्या है यहां खुला जेल याद रखना है। बस्तर, बस्तर याद रखना है, बस्तर में एक तो संगमरमर मिलेगा, एक तो ये तहसील है, ठीक है। बस्तर आपको मैं बताया हूं कि बस्तर पहले छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें हुआ करती थी, उन 14 रियासतों में एक रियासत बस्तर भी था, ठीक है, बस्तर रियासत, और आज लेकिन ये एक छोटा सा गांव रह गया है, और इसी के बस्तर जिले, इसी के नाम पर आज ये रियासत के नाम पर एक गांव, और गांव के नाम पर जिले का नाम है आज भी। बस्तर जो जिला है, सॉरी बस्तर जो जगह है, ये यहाँ बस्तर के जगह में एक तो आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा यहाँ इमली मिलेगा और इमारती लकड़ी मिलेगा, सबसे ज्यादा इमली टर्मरिंड और इमारती लकड़ी टिम्बर कहाँ, बस्तर में। कोरंडम कटिंग एंड पॉलिशिंग प्लांट, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र कहाँ, बस्तर, कोसा के लिए फेमस है बस्तर, बस्तर रायगढ़ बिलासपुर और जांजगीर चांपा, चार जगह आपको कोसा मिलेगा, कोसा सिल्क, ठीक है। बस्तर याद रखना है, सबसे ज्यादा इमली और इमारती लकड़ी, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग प्लांट कोसा के लिए फेमस, 14 रियासतों में से एक रियासत बस्तर, साथ ही साथ संगमरमर और साथ ही साथ तहसील है ये, याद रखना है, याद रहेगा। नीचे मांझी डोंगरी की पहाड़ी में आपको चूना पत्थर मिलेगा। लोहांडीगुड़ा आपका तहसील है, लोहांडीगुड़ा देखो ऊपर आपका कुंडा गांव से, लेफ्ट में आपका बीजापुर से, और नीचे आपका दंतेवाड़ा, तीन जिलों से घिरा हुआ तहसील, तीन जिलों से घिरा हुआ बस्तर जिले का एक तहसील याद रखना है, याद रहेगा। फिर आसना तारापुर कुदारवाही में आपको मिलेगा बॉक्साइड, आसना तारापुर कुदारवाही में बॉक्साइड,
इंद्रावती नदी पर आपको चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चौड़ाई इसकी 300 फीट चौड़ाई, ऊंचाई 90 फीट, 300 फीट चौड़ाई, इतना चौड़ा भारत में और कोई सा जलप्रपात नहीं है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक जलप्रपात मिलेगा आपको, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात, उसी के समान यह भी चौड़ा है, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है किसे? चित्रकूट जलप्रपात। नदी आपका इंद्रावती, जिला आपका बस्तर, चौड़ाई इसका 300 फीट और ऊंचाई इसका 90 फीट, याद रखना है, याद रहेगा। चित्रकूट जलप्रपात, नदी कौन सा? इंद्रावती नदी पर। जगदलपुर से जब चित्रकूट जाओगे तो पड़ेगा विंता घाटी, इस विंता घाटी को याद रखना है, बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। बस्तर का कश्मीर, ऐसा लगेगा मानो कश्मीर पहुंच गए हो जब यहां जाओगे तो, विंता घाटी, समझ रहे हो ना, जब यहां जाओगे तो मानो ऐसा लगेगा जैसे कश्मीर पहुंच गए हो, याद रखना है। बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो विंता घाटी। और यहां जलप्रपात मिलेगा तामड़ा घुमर, या इसी को मयूरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तामड़ा घुमर या मयूरा जलप्रपात, क्लियर है। आगे नीचे आ जाओ, बस्तरनार तहसील है, तोकापाल पढ़ लिए, हीरा मिलेगा, मांगलपुरी की पहाड़ी। एक प्रश्न आया था व्यापम में कि मांगलपुरी की पहाड़ी का फेमस क्या है, तो यहां काष्ठ टोपोग्राफी, काष्ठ स्थलाकृति, यहां फेमस काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित कौन सा पहाड़ी? मांगलपुरी की पहाड़ी। हो सकता है पूछ लिया जाए, अच्छा उसी एग्जाम में यह भी पूछा था कि अरण्यक गुफा कहाँ है, तो यह आपका इसी मांगलपुरी की पहाड़ी से संबंधित है, जिला आपका बस्तर। उसी एग्जाम में यह भी पूछा है व्यापम में कि गंडदेव झोडी नाला का संबंध किस गुफा से है या किस पहाड़ी, पूछा जाएगा तो पहाड़ी मांगलपुरी, और गुफा पूछा जाएगा तो अरण्यक गुफा, याद रखना, याद रहेगा, याद रखना है। दरभा घाटी में मिलेगा अभ्रक, और यही आपका चिंगी तराई का शिव मंदिर फेमस है। चिंगी तराई का मतलब होता है देवताओं का तालाब, देवताएं जिस तालाब में स्नान करने आते हैं उसी को चिंगी तराई कहा जाता है, और ये चिंगी तराई का शिव मंदिर आपका फेमस है दरभा घाटी के पास। या जिला आपको याद रखना है बस्तर जिला, क्लियर। यही आपको कैलाश गुफा याद रखना है, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के 3 जिले में मिलेगा, जशपुर, ब से बस्तर और स से सरगुजा। जशपुर, बस्तर और सरगुजा 3 जिलों में आपको मिलेगा कैलाश गुफा। जशपुर, ब से बस्तर और स से सरगुजा 3 जिले में क्या मिलेगा? कैलाश गुफा, क्लियर। सबरी नदी 173 बता चुका हूं कहां से उद्गम, कोरापुट की पहाड़ी से। सबरी नदी 173 किलोमीटर लंबाई। सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर नदी, और कांगेर नदी की सहायक नदी कौन सा? मुनगा बहार नदी, और इसी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? मुंगा जलप्रपात, मुंगा। ऊंचाई है इसका 300 फीट, उसका चौड़ाई 300 फीट था चित्रकूट का, इसका ऊंचाई 300 फीट है, समझ रहे हो। और हाइट आपको नहीं मिलेगा, हाइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा गिरेगा, फिर यहाँ का पानी फिर ऐसा गिरेगा, फिर ऐसा अलग अलग खंडों में विभाजित होकर के गिरती है, तो हाइट आपको याद नहीं रखना है, ऊंचाई याद रखना है। जशपुर क्षेत्र में आपको एक नया वाटरफॉल अभी मिला है, मकर भंजा जलप्रपात, मकर भंजा वाटरफॉल। ऐसा बोला जा रहा है कि वो लगभग 450 फीट ऊंचा है, तो मकर भंजा को अगर वो पूछना चाहेगा, ठीक है, तो वो मकर भंजा ऑप्शन में देगा, अगर, ठीक है, अगर वो मकर भंजा को ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको याद रखना है तीरथगढ़ ही वो जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी तक था, पर मकर भंजा में अभी रिसर्च चल रहा है, देखेंगे अगर वो 450 फीट अगर होगा तो फिर वही उसे ही ऊंचा, सबसे ऊंचा लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में तीरथगढ़ जलप्रपात ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको आंसर लेना है। लेकिन अगर मकर भंजा ऑप्शन में है
तो आपको याद रखना है कि मकर भंजा कोई लेना है, क्योंकि वो मकर भंजा को ही पूछना चाह रहा है, तभी वो मकर भंजा ऑप्शन में दिया है। क्लियर। उसके बाद अपन चले जाएंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आज के बाद जब भी आपको नेशनल पार्क नजर आए, समझ रहे हो, राष्ट्रीय उद्यान जब भी आपको नजर आए, आपको एक ट्रायंगल याद आना चाहिए आज के बाद, समझ रहे हो, ये ट्रायंगल आपको याद आना चाहिए। क्यों ट्रायंगल याद आना चाहिए? क्योंकि एक ट्रायंगल शेप में आपको छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तीन। एक है आपका बीजापुर में, एक कहाँ है? बीजापुर में। एक है आपका कोरिया जिले में, और एक है आपका बस्तर जिले में। और ये तीनों जिलों को मिलाओ तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल याद रखना है, समझ रहे हो, ट्रायंगल को आपको याद रखना है। बीजापुर में आपको मिलेगा, ठीक है, बीजापुर में आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क। कोरिया में मिलेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और बस्तर में मिलेगा कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में याद रखना है आपको, तीन ऐसा ट्रायंगल से याद रखना है। और ट्रायंगल याद रखोगे तो आपको एक राउंड ऐसा घूमना है, एक राउंड क्यों घूमना है? क्योंकि सबसे पहले 1978 में कौन सा बना? इंद्रावती। 78 के बाद 81, 82 याद रखना है। एक राउंड घूमना है, 78, 81, 82, 78, 81, 82, 78, 81, 82, क्योंकि 78 में इंद्रावती, 81 में गुरु घासीदास, 1981 में और 1982 में आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1982 याद रखना। और ये ट्रायंगल आपको नहीं भूलना, ट्रायंगल में हमेशा राइट साइड से ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 78, 81, 82, 78, 81, 82, 78 में इंद्रावती, 81 में आपका गुरु घासीदास, और 82 में आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। 78, 81, 82, 1258 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है? इंद्रावती। गुरु घासीदास का कितना है? 1441, और इसका कितना है? 200 कांगेर वैली। तो देखो 12 है और ये 2 है, ठीक है, इसको 1250, इसको 200, 1250 और 200 लगभग 1450, तो ये ऐसा याद रख लेना, ठीक है, 1250, 2 और 1450 याद रख लोगे तो ऑलमोस्ट बन जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क या सबसे पहला नेशनल पार्क आपका कौन सा? इंद्रावती। सबसे नया या तीसरा नेशनल पार्क आपका कौन सा? कांगेर वैली। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको गुरु घासीदास, और सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क को याद रखना है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कब बना? तो 1982, 78, 81, 82। जिस समय ये बना उसी समय इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट ये नहीं है। 1982 में ही इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, परंतु वर्तमान में भी नहीं है, याद रखना, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे नया और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों कांगेर घाटी? क्योंकि कांगेर नदी बह रहा है और एक घाटी का निर्माण करता है। जब वहां जाओगे तो आपको घाटी मिलेगा, ऊपर से नीचे आप जाओगे तब कांगेर घाटी पहुंचोगे, घाटी से नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है, वही कांगेर घाटी, और उसी घाटी के नाम पर नदी से घाटी, घाटी के नाम पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना है। यहां आप जाओगे तो कोटम सर, नागल सर, यहां डियर पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? डियर पार्क, ठीक है, कुछ मात्रा में नील गाय भी वहां रख रहे हैं अभी,
कोटमसर नागलसर में आपको क्या मिलेगा, डियर पार्क बनाया जा रहा है। यहीं आप जाओगे तो तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क मिलेगा। यहां आपको छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है, पहाड़ी मैना आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां प्रमुख जानवरों में उड़न गिलहरी, उड़ने वाला गिलहरी, रिसर्स बंदर, बंदर की एक अलग प्रकार की प्रजाति, रिसर्स बंदर और पहाड़ी मैना, तीन चीज फेमस, उड़न गिलहरी, रिसर्स बंदर और पहाड़ी मैना, क्लियर। यहां कुटुमसर गुफा, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, फिर अपन चले जाएंगे भैंसा दरहा। भैंसा दरहा में मिलेगा आपको मगरमच्छ। तो आज के बाद जब भी आपको मगरमच्छ नजर आए तो तीन जगह याद आना चाहिए, तीन जगह नहीं चार जगह। सबसे पहले भैंसा दरहा, भैंसा दरहा आपको जिला कौन सा, बस्तर। दूसरा आपका जाटलूर नदी, जाटलूर रिवर, कहां, नारायणपुर। तीसरा आपको कोटमी सोनार, कहां, जांजगीर चांपा। और चौथा आपको जंगल सफारी, कहां है जंगल सफारी, न्यू रायपुर। ये चार जगह याद रखना है। आज के बाद अगर आपको मगरमच्छ दिखाई दिया मतलब ये चार जगह तुरंत दिमाग में आना चाहिए। भैंसा दरहा और जाटलूर नदी ऐसा जगह है जहां प्राकृतिक रूप से नेचुरली वहां पहले से मगरमच्छ स्थायी रूप से है वहां, समझ रहे हो ना। लेकिन ये कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा और जंगल सफारी, यहां स्पेशल लोगों के मनोरंजन के लिए, उनको दिखाए देखने के लिए एक जगह बना दिया गया, घेर दिया गया, तालाब बना दिया गया और उसमें बाहर से ला करके मगरमच्छ को रखा गया, मतलब आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से मिलेगा दो जगह, कोटमी सोनार और जंगल सफारी में कृत्रिम रूप से मगरमच्छ, लेकिन भैंसा दरहा और जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलेगा, ये भी याद रखना। मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है कहाँ, छत्तीसगढ़ में चार जगह, कहाँ कहाँ फिर एक बार, ठीक है। आपको भैंसा दरहा, बस्तर जिला, जाटलूर नदी, नारायणपुर जिला, कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा जिला और जंगल सफारी आपका नया रायपुर, क्लियर। सारा चीज याद रखना, याद रहेगा। फिर आ जाओ कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा याद रखना। ये जो कुटुमसर गुफा है, सबसे पहले आदिवासियों के द्वारा इसका 1900 में इसका खोज किया गया, आदिवासियों द्वारा कब, 1900 में, आदिवासियों के द्वारा 1900 में इसका खोज किया गया। परंतु 1900 आदिवासी लोग जाने से डरते थे और साथ ही साथ ज्यादा उसका प्रसार प्रचार नहीं हुआ था। लेकिन 1951 में, 1951 बोल रहा हूँ मतलब 1951 ना, किसी बुक में 58 तो 57 56 गलत है वो। वहाँ जब जाओगे आप, कहाँ, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो बाहर में बड़ा बोर्ड लगा है, बुक में मैं वो फोटो खींच के लाया हूँ, उसको डाला हूँ, देख लेना है, समझ रहे हो। 1951 बराबर लिखा है उसमें, तो 1951 ही याद रखना है। प्रोफेसर शंकर तिवारी को याद रखना है, किसको, प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा खोज किया गया पहली बार, मतलब पहली बार कहा जाए तो साइंटिफिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से इसकी सारी चीजों को पता लगाया गया, कब, 1951 में। जब सारी चीजों को पता लगाया गया तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें निकल करके सामने आई, प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा खोज, किसका, कुटुमसर गुफा। जब अंदर जाया गया तो कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं 60 तो कहीं 120 फीट से ज्यादा गहरा है, और भी बहुत गहरा है, समझ रहे हो। आज आप जाना चाहोगे तो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आपको नहीं घुमाया जाएगा, लगभग 25-30% हिस्सा ही घुमा करके वापस ला दिया जाता है, क्योंकि उतना अंदर आपने, लगभग 1200-1700 फीट करीब आगे वो लंबा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कब खोजा गया, तो 1951 में प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा खोजा गया है।
जब अंदर गए तो यहां कुछ विशेष प्रकार की आकृति दिखाई दी। वो जब बुक आप पढ़ोगे तो बुक में बकायदा फोटो के साथ डला हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। अभी उस आकृति को मैं सामान्य रूप से बना रहा हूं, एक आकृति इस तरीके से दिखेगी, एक आकृति आपको इस तरीके से दिखेगी, मतलब ऊपर से नीचे नुकीला और नीचे से ऊपर। एक्चुअल क्या है, चूना पत्थर से बना हुआ ये गुफा है, और चूना पत्थर और पानी जो है वो साथ ही साथ रिस करके मोम की भांति वो जम गए। मोम देखे हो ना, कभी कभी मोम जब आप जलाओ तो नीचे गिर के वो रुक जाता है एक जगह पर, उसी प्रकार से वो क्या है, रिस करके हल्का हल्का रिस करके और अजीब प्रकार से डिजाइन बना लिया है। और वही मोम जब नीचे गिरता है तो एक के ऊपर जमा होकर के इस प्रकार से आकृति बनाता है। तो जब ऊपर से नुकीला बना तो इसे स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाले को स्टेलेगमाइट कहा जाता है। एक बार पूछा भी हुआ है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट और नीचे वाला स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट नाम का आकृति किस गुफा से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, याद रखना है, क्लियर। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट किस गुफा से संबंधित है पूछा जाएगा, तो कुटुम्बसर गुफा याद रखना है। फिर यहीं अपन जब चले गए तो आगे आपको पानी में कुछ मछलियां दिखाई देगी, समझ रहे, कुछ मछलियां दिखाई देगी। ये जो मछलियां हैं वो बहुत, देखो इस गुफा में जब अपन चलेंगे तो यहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, सूर्य का बिल्कुल एक भी प्रकाश नहीं पहुंचता। यहाँ जाओगे तो आपको एक आदमी आएगा आपके साथ जाएगा वो, और वो टॉर्च लेकर के जाएगा, तब आप जाओगे, आपके मोबाइल से नहीं चले गए। तो वहां जब आगे जाओगे तो आपको यहाँ झिंगूर मछली मिलेगा, और ये झिंगूर मछली जो है अंधी है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से क्या हो रहा है, उनके आंख का उपयोग नहीं हो रहा। और आप साइंस में पढ़े हुए होंगे, लंबे समय तक मनुष्य कभी पहले पूंछ हुआ करता था, लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो हट गया। उसी प्रकार से बोला जाता है ऐसा कि इन मछलियां जो आज जो मछलियां पैदा हो रही है, लंबे समय से उनके आंख का उपयोग ना होने के कारण वो आज अंधी पैदा हो रही है। और अंधी झिंगूर मछली का संबंध किस गुफा से है पूछा जाए, तो आपको कुटुम्बसर गुफा याद रखना। और इसी अंधी झिंगूर मछली का नाम प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, क्योंकि इस गुफा का खोज किया, तो उसी प्रोफेसर शंकर तिवारी के नाम पर संकराई झिंगूर मछली नाम रखा गया है, या इसी को कप्पी ओला संकराई मछली भी कहा जाता है, कप्पी ओला संकराई। तो ये सारा चीज याद रखना है, कप्पी ओला संकराई मछली या संकराई झिंगूर मछली का संबंध किस गुफा से है, तो कुटुम्बसर गुफा याद रखना है। क्लियर हो रहा है सारा, एक एक चीज कुटुम्बसर गुफा के बारे में हो सकता है मेंस में लिखने के लिए आए 30 शब्द। तो कब खोज हुआ, किस स्थान पर है, किस जिले पर है, वहां क्या क्या विशेषता है, इसको आपको बताना होगा। क्लियर हो रहा है वर्मा जी, कुटुम्बसर केव्स याद रखना, क्लियर। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट को नहीं भूलना है, अंधी झिंगूर मछली को नहीं भूलना है, क्लियर हो रहा है। हो सकता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको लिखने आ जाए 100 शब्द में, तो ये सारा का सारा फैक्ट आपको वहां डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और मेंस के अकॉर्डिंग लिख करके भी लेकर के आना, होमवर्क लिख ले रहा हूं, ठीक है, ये होमवर्क है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में 100 शब्द में आपको आंसर लिख करके आना है, क्लियर, याद रहेगा, स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट। अच्छा, मछली से एक चीज याद आया कि ये जो इंद्रावती नदी है यहां बोध या गुंज मछली पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना है, बोध या गुंज मछली, बोध या इसी को गुंज मछली भी बोलते हैं, और इसे, ठीक है, बस्तर का शार्क कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाएगा बोध या गुंज मछली कहां पाया जाएगा, तो इंद्रावती नदी में पाया जाएगा, और इसे ही बस्तर का शार्क कहा जाता है, बस्तर का शार्क, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का भी बोल सकते हो आप,
क्योंकि शार्क तो एक ही है, ठीक है, बोध या गुंज मछली, याद रहेगा। इंग्लिश में इसको कैट फिश बोलते हैं, कैट फिश भी याद रखना है। कैट फिश कहां मिलेगा? कैट फिश, ये भी याद रखना है। बोध या गुंज मछली, कैट फिश आपको मिलेगा कहां? इंद्रावती नदी पर। बस्तर का शार्क, इंद्रावती नदी याद रखना है, बकायदा फोटो के साथ बुक को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर, ये सारी चीजें याद हो जाएगी, याद रखना है। उसके बाद अपन आ जाएंगे दल, सबसे पहले आप आ जाओ जगदलपुर। जगदलपुर काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा इस शहर को बसाया गया और नगर नियोजन किया गया, और नगर नियोजन करके इसे चौराहों का शहर बनाया गया। किसे? जगदलपुर। काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव ने इसे बसाया है, समझ रहे हो ना। दुर्ग भिलाई पहले से बस चुका है, नया रायपुर तो आज बस रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले बसाया हुआ शहर यही है, कौन सा? जगदलपुर। काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा इसे बसाया गया, इसका नगर नियोजन किया गया और इसे चौराहों का शहर बनाया गया है। आज यहां बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट चीजें, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। इमली सबसे ज्यादा बस्तर में मिलेगा ना, बस्तर के पूरे क्षेत्र में, रास्ते में जब आप जाते रहोगे NH30 किनारे, सारा इमली का पेड़, समझ रहे हो। लेकिन क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यही जगदलपुर में सबसे अच्छा है। तो एशिया का सबसे बड़ा, समझ रहे हो, एशिया का छोटा मोटा नहीं है, पूरा एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी आपको कहां? जगदलपुर। काजू, कोसा, वन और लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, काजू, कोसा या सिल्क या सिरी, काजू, कोसा, वन, फॉरेस्ट, लघु धान्य फसल अनुसंधान, रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा कहां? जगदलपुर। याद करते चलो, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा बसाया गया, नगर नियोजन कर इसे चौराहों का शहर बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, काजू, कोसा, वन और लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर। साथ ही साथ यहां वन रक्षक और वन पाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन पाल प्रशिक्षण संस्थान आपका कहां? जगदलपुर। वन रक्षक और वन पाल प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग सेंटर आपका कहां? जगदलपुर। चार डेट जो लिख रहा हूं उसको भूलना नहीं है जगदलपुर में, समझ रहे हो ना, ठीक है। चार डेट जो लिख रहा हूं उसको भूलना नहीं है, 72 88 68, 72 88 6 और 8, लाइन से याद रखो। एक साथ बोल रहा हूं तो एक साथ ऐसे याद रखना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, अपना दिमाग को नहीं लगाना है। 72 88 6 8, 72 88 6 8 याद रखना है। 72 88 1972 में भारत सरकार के द्वारा इस जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नृजाति म्यूजियम बनाया गया है। जगदलपुर नृजाति म्यूजियम, आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये नृजाति म्यूजियम, समझ रहे हो, याद रखना है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्थापित किया गया 1972 में, कहां? जगदलपुर। नृजाति म्यूजियम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है कि है कहां, लेकिन अब हो सकता है कि पूछा जाए कि कब बना, तो 1972 याद रखना है। फिर 1988 में यहां जिला पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल प्लेस, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिला पुरातात्विक संग्रहालय कहां? जगदलपुर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। 2006 का मतलब तो 1988 के बाद 6, तो 1906 तो नहीं हो जाएगा, 2006 होगा वो, तो 2006 में स्वर्गीय बलिराम, लेट बलिराम कश्यप या स्वर्गीय बलिराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय, स्वर्गीय
बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय आपका 2006 और 2008 में बस्तर यूनिवर्सिटी या बस्तर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हो गया है, महेंद्र कर्मा। ये चारों डेट नहीं भूलना है, 1972, 1988, 2006 और 2008। 1972 में निर्जाति म्यूजियम, 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल प्लेस, 2006 में स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, लेट बलिराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और 2008 में बस्तर यूनिवर्सिटी या बस्तर विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है। ये सारा डाटा याद रखना है। कहाँ? जगदलपुर, याद रहेगा। साथ ही साथ जगदलपुर में एक डीआरडीओ की एक छोटी सी इकाई काम कर रही है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप यहां आपको मिलेगा। डीआरडीओ के अधीन हवाई पट्टी आपको अगर पूछ लिया जाए तो जगदलपुर के अलावा कुछ नहीं लगाना है आंसर। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हवाई पट्टी आपको जगदलपुर याद रखना है। याद रहेगा, काकती वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा बसाया गया, नगर नियोजन किया गया और चौराहों का शहर बनाया गया। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं पर मोस्ट ऑफ द मोस्ट चीजों को मैं बता रहा हूं, उसको याद रखना है। बाकी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बुक से पढ़ना है। फिर आपको दलपत सागर, दलपत सागर, इसी काकती वंश के राजा राजा दलपत देव के द्वारा बारिश का पानी को इकट्ठा करना और पीने योग्य बनाने के लिए इसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब पूछा जाए या सबसे बड़ा झील पूछा जाए तो आंसर इसी को लगाना है, या सबसे बड़ा सागर पूछा जाए तो भी दलपत सागर। काकती वंश के राजा दलपत देव के द्वारा बारिश का पानी इकट्ठा करने और पीने योग्य बनाने के लिए इसे बनाया गया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर। डिलमिली, माड़िया जनजाति में एक व्यक्ति हुआ करता था मुचकी हुंगा, क्या नाम? मुचकी हुंगा, माड़िया जनजाति में एक फेमस व्यक्ति। क्या हुआ करता था पहले? कोई फेमस व्यक्ति टाइप का जो आदमी रहता था, जैसे आज कोई फेमस व्यक्ति तो उसका एक समाधि उमाधि बना देते हैं बढ़िया से, है ना, उसके नाम से स्टेचू बना देते हैं। तो माड़िया संस्कृति में, आदिवासी में फेमस टाइप का कोई आदमी है तो उसे गड़ाए, गड्ढा खोदे, दफनाए, दफना करके बढ़िया उसकी याद में क्या कर दिए, एक बढ़िया लकड़ी का एक स्तंभ लगा दिया उसके उसी के ऊपर जहां दफना है। लकड़ी का जो स्तंभ लगा है उसे काष्ठ स्तंभ या डेड वुडन पिलर, काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ का संबंध किस स्थान से बस्तर में? तो डेल मिली, वो मुचकी हुंगा जब मरा ना तो उसी को दफना करके उसी के ऊपर रखा है, बुक में फोटो देखना, डिल मिली कौन? मुचकी हुंगा, याद रखना है। फिर आप चले जाओगे परचमपाल, परचमपाल में सुअर प्रजनन केंद्र, पिग ब्रीडिंग सेंटर, सुअर प्रजनन केंद्र आपका परचमपाल। केसरपाल में राजा जय सिंह के द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर, उमा महेश्वर की प्रतिमा यहां स्थापित है। ठीक है, केसरपाल में क्या मिलेगा? राजा जय सिंह के द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर याद रखना है, याद रहेगा। फिर आपका नारायणपाल, इस नारायणपाल में आपको छिंदक नागवंश पढ़ाऊंगा मैं, उस छिंदक नागवंश में एक राजा हुआ करते थे राजा धारावर्ष, और उस धारावर्ष की पत्नी का नाम गुंड महादेवी, क्या नाम? गुंड महादेवी। उस गुंड महादेवी के द्वारा इस नारायणपाल में नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया है, क्लियर, लगभग 12वीं शताब्दी, याद रहेगा। तो परचमपाल में सुअर प्रजनन केंद्र, राजा जय सिंह के द्वारा बनाया हुआ केसरपाल का शिव मंदिर, और नारायणपाल में छिंदक नागवंश के राजा धारावर्ष की पत्नी गुंड महादेवी के द्वारा बनाया हुआ विष्णु मंदिर याद रखना। ये जितनी भी चीजें मैं बताया हूं, बार बार इस वीडियो को देखो, समझ रहो और पढ़ो इसको, और एक एक चीज जितना मैं बताया हूं पूरा याद हो जाना चाहिए। दो चार पॉइंट छूटा होगा वो बुक से पढ़ लेना है, लेकिन जितना मैं बताया हूं एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। कोसार टेढ़ा परियोजना डायरेक्ट पूछा जाएगा किस जिले में, तो याद होना चाहिए बस्तर जिला।
मटनार प्रोजेक्ट किस जिले में, मटनार जल विद्युत परियोजना किस जिले में, तो बस्तर जिला। याद रखना है यहां, ठीक है, 20 × 3 20-20 मेगावाट के 3 इकाई काम करेंगे और लगभग 60 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन करने की सरकार की योजना है। 60 मेगावाट, वो भी याद रखना है कि कितना मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की योजना है, तो 60 मेगावाट, कितनी इकाई, तो 3, कितने कितने मेगावाट का, तो 20-20 का, ये भी याद रखना है। सारा चीज जितना मैं बताया हूं, पूरा इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखो और इस चीजों को पूरा याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना, एक एक चीज याद हो जाना चाहिए, क्लियर। चलो एक बार मैप देख लो।